चलिए लेट्स टेक अप अ प्रॉब्लम. इट्स अ डिवीजन प्रॉब्लम. और आगे कर देता हूं, ठीक है. मैथ्स के बच्चों के लिए स्पेसिफिकली बनाओ डायग्राम. फिर मैं आज के बाद एक मैथ्स के बच्चों के लिए अलग से क्लास लूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे टैकल करे जाते हैं सवाल सॉल्व. इसको अपन अब सॉल्व करेंगे. फाइंड, पहला पार्ट है फाइंड, बस एक ही पार्ट है. फाइंड द सप्लाई वोल्टेज. फाइंड द सप्लाई वोल्टेज. देखो अब मैं शुरू करता हूं तुम्हारे सामने, हेल्प करना मेरी. इसमें 3 एम्पियर है और इसमें 4 एम्पियर है. तो अब मैं फेजर डायग्राम पे जा रहा हूं. मैंने 12 वोल्ट बनाया. अब मुझको ये बताओ इंडक्टर का जो करंट होगा वो अपने वोल्टेज से पाई बाय टू पीछे होगा, और कैपेसिटर में जो करंट होगा वो अपने वोल्टेज से ज्यादा आगे चलेगा. अब इन दो ब्रांचेस का जो करंट है वो इफेक्टिव है. तो मैंने ये 12 वापस से बनाया और ये 1 एम्पियर हो गया. बिल्कुल ठीक जा रहे हैं सर, बिल्कुल सही है. अब आ जाओ इस पर. इसका 2 वोल्ट होगा ऑब्वियसली, 1 एम्पियर इसका 4 वोल्ट होगा. अब मैं इनको भी फेजर में दिखाऊंगा. मुझे बताओ रेजिस्टर का जो वोल्टेज होता है वो करंट के फेज में होता है. रेजिस्टर का जो वोल्टेज होता है वो करंट के फेज में होगा, तो इसका 4 वोल्ट इधर आ जाएगा. बिल्कुल सही जा रहे हो. और ये रोटेशन सेंस होता है वेक्टर्स का. और जो कैपेसिटर का वोल्टेज होगा वो अपने करंट से पाई बाय टू पीछे रहेगा. तो करंट से पाई बाय टू पीछे मतलब यहां पर, ठीक है. अब 12 और 2 ये हो गया 14 वोल्ट, 4 वोल्ट. तो जो सप्लाई वैल्यू है ये लो बेटा, ये कर दिया. लिख लो. समझ में आया बेटा सबको? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो. चलिए मैं क्लियर कर रहा हूं उसको. फिर मैं आज का डिस्कशन के बाद ना तुम्हें यही चीज कॉम्प्लेक्स नंबर से सिखाऊंगा मैथ्स के बच्चों को. सो मैं क्लियर कर रहा हूं उसको. चलिए डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. एलसी टैंक सर्किट. देखो डेरिवेशन करेंगे. मैंने आज देखा था एनसीईआरटी में, उन्होंने जो सिलेबस बेसिक एलिमेंट्री का था, एलिमेंट्री डिस्कशन, एलिमेंट्री
बनाओ उसको। अब ये कैपेसिटर को चार्ज किया हुआ है वोल्टेज वी नॉट तक। कैपेसिटर को चार्ज किया हुआ है वोल्टेज वी नॉट पर और स्विच को क्लोज करने वाले हैं। तो अब लिखो स्विच इज क्लोज्ड। स्विच इज क्लोज्ड। अब देखें क्या होगा। इट्स मैथमेटिकल पूरा डिस्कशन। डिस्चार्ज होगा। स्टार्टिंग में तो चार्ज मुझे पता है सी वी नॉट था। हाँ था सी वी नॉट। अब लेट से क्यू चार्ज है और ये करंट फ्लो हो रहा है आई। ऑब्वियसली करंट बढ़ेगा। जीरो जीरो था तो बढ़ेगा। तो ये लेंज लॉ के हिसाब से पोलैरिटी आएगी। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। अभी चार्ज ये डिस्चार्ज होगा ना। ऑब्वियसली डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होगा करंट जीरो से बढ़ रहा है। अब मैं लूप में मूव करूंगा क्यू बाय सी। क्यू बाय सी यहां से आया प्लस से माइनस। ये किया। आगे रुक जाओ एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा। अरे सर हाँ एक और बार कर दिया। बेटा बताओ क्यू की वैल्यू टाइम के साथ कम हो रही है। डिस्चार्ज हो रहा है ना क्योंकि। अरे हाँ सही। नेगेटिव क्यों आया समझ में आ रहा है मेरे। अब यहां देखो इतना लिखो पहले फिर मैं आगे मैथमेटिकल सॉल्यूशन बताऊंगा। इतना लिखो लिख लो पहले पूरा। सर आई माइनस डी क्यू बाई डी टी और लिखा है। बेटा लिख डिस्चार्ज हो रहा है ना। डिस्चार्ज हो रहा है ना।
डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है ना बेटा, तो ये तो क्यू की वैल्यू कम हो रही है ना, क्लियर है? क्लियर है उत्कर्ष बेटा? डिस्चार्ज यस सर, हो रहा है ना, चार्ज धीरे धीरे करके कम हो रहा है, इसलिए माइनस इक्यू बाई डीटी आएंगे, तो पहले आप सीख चुके हो। लिखने के बाद बता दो, लिखते अब देखो यहां पर एक हम कहानी जैसा, मतलब क्या देखो, ये मैथमेटिकल इक्वेशन आ रहा है, सब यहां तक वापस लिख लें। दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब हम चलते हैं 11th क्लास पर। 11th क्लास में एक चैप्टर था SHM। हाँ सर था ना, वहां आपने एक्सेलरेशन, याद करो ये था एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, हाँ सर ये तो सीखा था ना हमने, याद आया ये याद है, ये तो तुम्हें पता ही था, यहां से यहां आने में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इतने पार्ट को मैं रब कर रहा हूं। अब थोड़ा सा रिकॉल करोगे, जैसे आप इंटीग्रेशन सीखते हो, आप सिंगल ऑर्डर का सीखते हो जहां पे पावर वन है, बट अगर आपको याद हो ये पोजिशन है, हाँ सर पोजीशन है ना, इसकी अगर तुम्हें इक्वेशन याद हो सिंपल हार्मोनिक की, अब ये मत कहना सर मुझे ये याद नहीं है, ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका इंटीग्रेशन से सॉल्यूशन आया, सर इसमें तो कहीं ए लिखा नहीं है, कहीं इसमें फाई लिखा नहीं है, तो बेटा ये कॉन्स्टेंट्स है। अरे सर दो कांस्टेंट क्यों आ गए, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था। अब तुम बोलोगे सर ये सॉल्यूशन, मैं ये सॉल्यूशन यहां बताने के लिए मेरा काम नहीं है, ये मैथ्स के टीचर का काम है, जैसे बेसिक इंटीग्रेशन तो तुम्हें सिखाया हुआ है मैंने, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय थ्री होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स का बेसिक सिखाया, पर ये वाला जो डिफरेंशियल है ये मैथ्स के टीचर का रोल है, ये मेरा रोल नहीं है सिखाना। तो ये जो तुमने यहां से लेकर यहां तक ये तुमने 11th में सीखा था ऐसे करके, अब यहां आ जाओ, अब इन दो इक्वेशंस को जरा कंपेयर करो, इसको देखो और इसको देखो, बिल्कुल मैं सामने सामने एक दूसरे के नीचे लिख देता हूं, और इसका सॉल्यूशन मैं यहां लिख देता हूं, अब मुझको बताओगे इसी तरीके से, जब इसका सोल्यूशन लिखूंगा आई बराबर, इसका जब सोल्यूशन लिखूंगा आई, ये एम्पलीट्यूड था एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा आई नॉट, करंट की मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहां जो ये ओमेगा है ये 1/√LC है। अरे हाँ सर ये तो सही हो गया, सही 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 सही, अब लिख लो इतना, अभी आप कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारे को 11 से रिलेट किया, ये चीज मैंने 11 में सीखी थी, ये सॉल्यूशन सीखा था, फिर मैंने बोला देखो ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन एक सी है दोनों, तो मैं सॉल्यूशन बना दिया, लिखो इसको फिर आगे बढ़ाऊंगा। दो कॉन्स्टेंट्स क्यों आए, ये आई नॉट और ये कॉन्स्टेंट क्यों आया, अभी इनकी मैं वैल्यू निकालूंगा,
दो कांस्टेंट क्यों आए? क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लिखो क्लास चल रही है। बेसिक लेवल का है पर मैं तुम्हें मैथमेटिकल लेवल पे ले जाके सॉल्व करवा रहा हूं उसको। मैं लिखने के बाद बता देना बेटा कि लिख लिया। लिख लिया सर। ठीक है, अब मैं तुम्हारे सामने इसमें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालूंगा। अब मैं कॉन्स्टेंट्स निकालूंगा, जैसे वहां 11 में निकाले थे ना, बट आपको सोल्यूशन याद कर लेना है बस। वहां जाके कोई आपसे पूछने नहीं वाला कि मैथ्स में कैसे क्वेश्चन आए। अब आपके पास यहाँ चले, ठीक है। अब देखो मैं कर रहा हूँ, पहले मैं मेरे पास इक्वेशन आई कि जस्ट अ सेकेंड, आप देख लेंगे। देखो मैं कुछ लिख रहा हूं यहाँ पे। हाँ, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, नहीं, मैं इस पे ऐसा बोल रहा हूँ, देखो पहले इक्वेशन में बना रहा हूँ। टाइम जीरो पर करंट जीरो था, भी स्विच को आपने बंद किया तो करंट तो जीरो ही था ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जीरो आई नॉट साइन फाइव, तो देयरफॉर फाई इज जीरो। तो एक मेरी इक्वेशन आ गई, अब आई नॉट निकालना मेरा एम है। एक बार इसको मैं अब सेकंड डिफरेंशिएट करूंगा, ये किया। अरे सर अब क्या करने वाले हो? अब मैं वापस इसी चीज को टाइम जीरो पे देखूंगा। कहां से देखोगे, कहां से देखोगे? टाइम जीरो पर, टाइम जीरो पर देखो, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? यहाँ जा रहा हूँ। ये मैं अभी ऊपर कर दूंगा जब लिखूंगा एट टाइम जीरो। क्यू की वैल्यू बताओ, सी वी नॉट। अरे वाह, टाइम जीरो पर मैं क्या लिखा था मैंने इसका वैल्यू? टाइम जीरो पर वी नॉट बाय सी, V0 वी नॉट बाय सी था ना बेटा, डी आई बाई डी टी की वैल्यू, वी नॉट बाय एल, सॉरी वी नॉट बाय एल, दिस इज एल। अच्छा लगता है जब तुम लोग टेस्ट देते हो, कुछ बच्चे हैं जो रेगुलरली दे रहे हैं, सो हैप्पी फॉर दैट। कुछ 8-9 बच्चे हैं जो रेगुलरली देते हैं और उनकी परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट है, देखा मैंने, अच्छा कर रहे हैं। मैं तो तुम्हारे 11th के भी बना रहा हूँ ऐसे करके, रोज करवाऊंगा रोज।
वी नॉट बाय एल कर दिया टाइम जीरो पर आई नॉट ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू तुम्हारे पास ये यहां से है। कितना आ रहा है? ऊपर चला जाएगा। ठीक है बेटा, कहीं गलती तो नहीं है ना? नहीं। अब लिखो, चलो यहां से चालू करो। पहले पहले इतना पार्ट, इसके बाद पहले ये लिखो, जस्ट राइट दिस पार्ट ऑफ इट। इतना लिखो पहले। लिख लिया तो बता देना। अब उसके बाद फिर यहां जाकर, अब आप अभी केवल इतना लिखो, इतना लिखना केवल, फिर मैं ऊपर का दिखाऊंगा। जस्ट राइट दिस, जस्ट राइट दिस मच। लिख लिया सर। वेरी गुड। और अब चल के अपन ऊपर जाएंगे, अब ये लिखेंगे इसके बाद, ये लिखें। अब लिखो नीचे का। देख लो पूरा। लिख लिया। यस सर। तो जी अब आप इक्वेशन देखो, कितनी खास चीज बन रही है, क्या स्पेशल चीज बनकर आई। अभी बताता हूं क्या स्पेशल है इस पूरे खेल का। स्पेशल है देखो जो इक्वेशन आ रही है, और ओमेगा तुम जानते हो ये आया है। ठीक है, स्पेशल क्या है सर इसमें? अरे देखो बेटा, आप देखो सर्किट में करंट फ्लो होता ही रह रहा है अल्टरनेटिंग, मतलब बैटरी नहीं है कोई, बट करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होता जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है। क्या हो रहा है? कैपेसिटर की एनर्जी पहले इंडक्टर के पास चली जाती है और फिर इंडक्टर की एनर्जी वापस कैपेसिटर के पास आ जाती है। कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो रहा है, मतलब करंट कॉन्स्टेंटली
एक एसी करंट फ्लो हो रहा है बिना कोई बैटरी के, बिना कोई वोल्टेज सोर्स के, करंट होता जा रहा है ऐसे। देखिए ये खास बात है ना, करंट फ्लो है, बैटरी नहीं है कोई, बट स्टिल देयर इज अ करंट फ्लो। व्हाई? इतना लिखो, डायग्राम बना लो फिर बताऊंगा। अब इसमें लिखो द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, द एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट इज शेयर्ड बिटवीन, इट इज शेयर्ड बिटवीन the capacitor and inductor. It is shared between capacitor and inductor. Ideally, such circuit is not possible. Because सर आइडियली की बात बता दीजिए। आइडियली सच सर्किट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज द वायर्स विल हैव रेजिस्टेंस, बिकॉज द वायर्स विल हैव रेजिस्टेंस एंड एनर्जी लॉस, ब्रैकेट में लिखो हीटिंग, एनर्जी लॉस ब्रैकेट में लिखो हीटिंग विल टेक प्लेस। ऑब्वियसली एनर्जी लॉस होगा, ऐसे पॉसिबल कहाँ है कि करंट फ्लो होता रहे होता रहे होता रहे। तो जो करंट है अभी रुको हम बता रहे हैं क्या होगा उसमें, समय के साथ उसका एम्पलीट्यूड पीक वैल्यू कम होने लग जाएगा, ऐसे करके लिख लो उसमें पीक वैल्यू समय के साथ कम होने लगती है, हीट एनर्जी डेवलप हो रही है, हीट लॉस हो रहा है। क्लियर? हो गया बेटा? चलो वापस देखो, वापस देखो, थोड़ा और उसको समझाते हैं। अब देखो वापस, अभी क्वेश्चन के फॉर्म में ले लो। चलो हाँ आदित्य बोलो। नहीं सर कुछ नहीं, वो लिख लिया था मैंने वो। कोई नहीं, लिखो डायग्राम बनाओ। उसमें लिखो, क्वेश्चन लिखो, switch closed, find
the peak current, find the peak current by energy conservation method. Find the peak current by energy conservation method. देखो मैं बता रहा हूं, हम ये लिखेंगे एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ इंडक्टर, ये सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर आइडियल है तो। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। तो जब जब स्टार्टिंग में पूरी एनर्जी तो कैपेसिटर के पास थी, आती उस समय इंडक्टर के पास जीरो है क्योंकि करंट जीरो है। जब सारी एनर्जी इसके पास चली जाएगी तो कैपेसिटर की जीरो हो जाएगी और उस समय करंट पीक होगा। जब सारी एनर्जी कैपेसिटर के इंडक्टर के पास आ जाएगी तो उस समय करंट पीक वैल्यू पर होगा। देखो ये एक स्टेप में आ गया। इसका बी पार्ट व्हाट इज द करंट व्हेन वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर बिकम्स वी नॉट बाय टू। डिस्चार्ज हो रहा है तो वोल्टेज का, जब वोल्टेज वी नॉट बाई टू हो जाएगा तो उस समय पूछ रहे हैं कि करंट बताइए कितना है। इसे निकाल दो। इस पे आया नहीं है सवाल, बहुत समय से देख रहे हैं। अब इस पे चाहो तो और बहुत सारे केसेस बना सकते हो, देयर कैन बी मेनी। आप एक कैपेसिटर और लगा दो पर वो बैटरी लगा दो फिर सॉल्व कर दो। लेवल का तो कोई इसमें लिमिट नहीं है। एक चीज बताता हूं, जब इंजीनियरिंग करने जाओगे, जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो यही क्वेश्चन में यहां पे एक रेजिस्टर लगा हुआ होगा और फिर इक्वेशन निकालनी है, उसमें मैथमेटिकल मैथ्स लगता है, इंटीग्रेशन थोड़ा उस लेवल का जो मैं भी अब भूल गया हूँ। तुम्हें भी नहीं सिखाया जाता शायद, अब नहीं सिखाया जाता, 12th में होता होगा तो आई डोंट नो। बट हम अब इस लेवल पे नहीं करेंगे कि इसमें रजिस्टर लगाए और फिर देखे उसमें। तो ऑब्वियसली करंट का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ धीरे धीरे करके कम होता जाएगा क्योंकि रजिस्टर लगा हुआ है। बट वो जो मैथ्स का जो उसमें इंटीग्रेशन है वो मुझे नहीं पता, वो उसमें कुछ अलग तरीके का सोल्यूशन होता है, मैं भूल गया हूँ वो। बट ऐसे बता दिया कि इस लेवल का सवाल वहां बनेगा और वहां तुम और भी जो सीखोगे चीजें। अभी तुमने जो एसी सीखा था उसमें केवल आपने साइन और कॉस सीखा था, वहां जब जाओगे और इलेक्ट्रॉनिक्स अगर पढ़ोगे तो एसी किसी किसी भी शेप का हो सकता है। इन सब पे एनालिसिस होगा। तो उसमें पता है एक चीज बताता हूं, तो मैं इंटरेस्टिंग बताता हूं, मैथ्स के बच्चे सुने ध्यान से। अब अगर मैं ये लगा के किसी पिछले वाले कैपेसिटर में लगाऊं, मतलब इसको भूल जाओ, इसकी बात नहीं हो रही है, जस्ट टेलिंग एस फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। For example,
सपोज ये इक्वेशन है स्क्वायर और ये हमने कैपेसिटर में लगा दिया, रेजिस्टर में लगा दोगे तो बहुत आसान है, कैपेसिटर में लगा दिया, रेजिस्टर में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधे सीधा करंट फ्लो करता है, वी नॉट बाय आर, वी नॉट बाय आर करेगा। पर क्या होगा जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे, तो मुझे याद है एक मैथमेटिकल टेक्निक होती है, उसमें क्या करते हैं इस पूरी इक्वेशन को वो ब्रेक कर देते हैं साइन एंड कॉस, ये पूरे को साइन एंड कॉस के फंक्शन में लगेंगे, साइन एंड कॉस, और साइन एंड कॉस में तुमने सीख लिया कैसे करते हैं, मतलब एक सीरीज होती है, ये इसको आप ब्रेक कर सकते हो साइन और कॉस के समेशन सिग्नल से, और साइन और कॉस तुमने सीख लिया तो ये रहता है। तो ये तो मेरा बेटा एसी जितना मुझे, अच्छा एक दो चीज और बतानी थी, ये थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा था, छूट गया था, ये लिखो जरा, सॉरी क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर क्यू फैक्टर बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर ऑफ कॉइल, ऑफ कॉइल, ये ऐसे लिखा जाता है बेटा, कॉइल का क्वालिटी फैक्टर, कॉइल कॉइल का क्वालिटी फैक्टर ओमेगा एल बाय आर, और ऑब्वियसली दिस शुड बी हाई, कॉइल का ये हाई होना चाहिए, तो क्योंकि बेटा इसलिए कॉइल में हम चाहेंगे कि उसका इंडक्टेंस ज्यादा हो रेजिस्टेंस कम हो, क्वालिटी फैक्टर ऑफ कॉइल ये टर्म जो याद रखना ओमेगा एल बाय आर। अब मैथ्स वाले बच्चे सुने, बायो वाले बच्चे एग्जिट कर जाएं, उनके उनके काम का नहीं है डिस्कशन, ये तो केवल मैं इनको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बायो वाले बच्चे एग्जिट कर सकते हैं, उनको जरूरत नहीं है इस चीज को अटेंड करने की, कल से मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, बायो वाले बच्चे एग्जिट कर जाए बेटा। सुनो अब मैं तुम्हें ये कॉम्प्लेक्स नंबर से सिखाऊंगा सॉल्व करना, बस मुझे 15 मिनट का समय दो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आर को आर लिखेंगे, यहां पे एक्सएल होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आई से डिनोट करते हैं ना, आई से करते ना बेटा, यस सर, यस सर, ये आर को आर एक्सएल को इससे, अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं सर्किट बनाकर, और तुम बोलोगे अरे सर ये तो बहुत आसान था, इंजीनियरिंग में ऐसे सिखाएंगे क्या, इट इज सो सिंपल। डायग्राम बनाओ, कर लो, अच्छा बायो वाले बच्चे कर लो, कॉम्प्लेक्स नंबर जानते हैं नहीं जानते होंगे इसमें बायो वाले बच्चे, ये जो आई है ना बेटा आई, सुनो देखो आई क्या है, आई स्क्वायर इज माइनस वन, आई स्क्वायर इज माइनस वन, इतना लिख लो, ये इस आर को आर एक्सएल को एक्सएल आई, ये सर्किट बना लो एक, फाइंड पहला पार्ट, फाइंड सर एक मिनट, फाइंड द इंपीडेंस, अरे सर कैसे करेंगे, फाइंड द इंपीडेंस, अब देखो हम बताएंगे, इसको टू छेड़ना नहीं है, इसको
अब देखो मैं क्या करूंगा, यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो क्या करते हैं, अब इसको सीधा पैरेलल में जैसे करते हैं ना, पैरेलल में सॉल्व, वैसे इसका इसका पैरेलल निकालो, इसका पैरेलल निकालो, इसका पैरेलल निकालो, इस वाले पार्ट का पैरेलल में लिख रहा हूं कुछ, इस वाले पार्ट का ओनली, बेटा ध्यान देना क्यों, इस वाले पार्ट का मैं लिख रहा हूं, लेट्स सी जेड लिखा, इस वाले पार्ट का ठीक है, 1/3 1/4 आए, यहां तक की कहानी क्लियर? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब इसको इसको वो करो मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, किससे करोगे सर? इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मैथ्स वाले बच्चे, बायो वाले बच्चे नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जरा करो सॉल्व, ये कितना हुआ, 36i माइनस 48i स्क्वायर, सही लिखा है ना, कहीं गलती तो नहीं है, 48, हाँ सही है, और यह हुआ 9 - 16i स्क्वायर, और बाय वाले बच्चे मैंने तुम लोगों को बता दिया था आई स्क्वायर इज माइनस 1, 48 और क्या बना ये, अरे वेक्टर क्यों लगा दिया, वेक्टर क्यों लगा दिया, वेक्टर क्यों लगा दिया, वेक्टर क्यों लगा दिया, ठीक है यहां तक तो समझ में आया। अब बेटा ये बताओ z और 2 किस में, सीरीज में है, सीरीज में है, तो जो फाइनल हो गया ये बता दिया बेटा मैंने बस, अब इसका मॉड ले लोगे तो इंपीडेंस आ जाएगा, इंपीडेंस की वैल्यू आ जाएगी ओम्स में। अब बताओ इतना आसान था ये, फेजर से करते तो नहीं कर पाते ना बेटा, इसलिए ये टेक्निक इंजीनियरिंग में सिखाई जाएगी ऐसे करके, और यहां देखो इससे फेज डिफरेंस में निकल आएगा, पर ये है नहीं ना तुम्हारे काम का, तो मैंने ऐसे ही बता दिया तुम्हें कि ऐसे भी होता है, ये ऐसे भी होता है।